पकड़ा है मैंने, पकड़ा है वीडियो फोटो फोटो। चलो चलो यहाँ पे माता जी के लाइव दर्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, अभी तो बंद है फिलहाल के लिए। यहाँ पे बहुत सारे भक्त जन यहाँ पे बैठे हैं और सब विश्राम कर रहे हैं। ये है मंदिर के अंदर, यहाँ पे हम जा सकते हैं, अर्धकुमारी मंदिर है यार, और ये बहुत ही अच्छा है देखो, भगवती भवन। यहाँ पे आप रुक सकते हैं, अच्छा खासा यहाँ से हम जा रहे हैं माता के भवन का जो रास्ता है वहाँ, अब सीधा माता जी के दर्शन करेंगे वहाँ पे, और फिर इसके बाद अर्धकुमारी जो माता जी हैं फिर वहाँ से भी आप गुफा का पर्ची उर्ची कटा के आप ये कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो कल पर्ची एक जन ने कटाया तो फिर उनका तो कल सुबह का आएगा, मतलब इतना गर्दी है, मतलब लोगों ने लाइन लगाई है ना उसके लिए भी तो काफ़ी लॉन्ग है। चलो कोई अभी यहाँ से पहले हम वो बोल रहे थे कि पहले माता जी का आपका दर्शन भी हो जाएगा, उसके बाद आप आके फिर यहाँ पे दर्शन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट टाइम हम लोग भी आए हैं यहाँ पे, खाली रोड पहला सब जाए तो भागा था। सब लोग यहाँ पे कैसे आराम कर रहे हैं, ये सब लोग तो हैं दर्शन करके आ चुके हैं। तो मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, मीन्स यहाँ पे थोड़ी बारिश भी हो रही है, थोड़ा धूप निकल रहा है, बारिश हो रही है धूप निकल रहा है। मम्मी आवा, चलो आगे गोलू। देखो ऐसा खाली रास्ता होना चाहिए, अब यहाँ पे वो लोग नहीं आएंगे, ओ पालकी वाली वो लोग पिट्ठू उठू ना, यहाँ पे नहीं है, अर्धकुमारी तक ही आते हैं वो लोग, अर्धकुमारी तक आते हैं बस। हाँ हाँ अब कुछ नहीं, अब आपने को भैरवनाथ से वो जब जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में, और मैं इसके दो तीन पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जितने भी व्यूज ले रही हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बहुत ब्यूटीफुल सीनरीज है, व्यूज है देखने के लिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लिफ्ट निकल गई, देखो बंदर देख रहा हूँ, रख लो अंदर रख दो, ऐसे रखती हूँ मोबाइल फिर पास करो। लेकिन एक बात, फैमिली के साथ आओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सबकी एक अपनी एक एनर्जी होती है जो हम एक दूसरे को पास ऑन करते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। तो समटाइम्स हम थक जाते हैं तो गोल्डी सॉफ्टी मुझे मतलब अपनी एनर्जी देते हैं, मम्मा चलो, फिर पापा मम्मी थक जाते तो हम देते हैं पापा मम्मी, और फिर हमको अपनी एनर्जी देते हैं कि चलो चलो अब नहीं मतलब। और अरे यार अब मैं ना बॉम्बे जाके आराम से सोऊंगी, तब मेरी ये देखो डार्क सर्कल काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, मतलब अभी हम लोग पूरे दिन रात जाग ही रहे हैं ना कंटिन्यू इसके लिए।
बोलो। जय माता दी। बोली छोटी, अच्छा लगा ना? मैं तो इन लोगों से यही पूछती रहती हूँ, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं ना, बहुत कॉपरेट करते दोनों, बहुत अच्छे हैं यार, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम लोग सब साथ में हैं और अच्छा आराम आराम से जा सकते हैं, बीच में बैठने की सुविधा है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और हम लोग सब लोगों को मिस कर रहे हैं। अगर मतलब गीता दीदी, माता रानी आपको जल्दी बुलाए, ललिता, पीहू, लड़की, मेरी मम्मी पापा, मतलब हमारे फैमिली के जितने भी मेम्बर हैं, हम सभी को मिस कर रहे हैं। और गोली सॉफ्टी के बुआ लोग भी हैं, ये लोग भी, इन लोगों को भी मिस कर रहे हैं, है ना? तो सब लोगों को हम लोग मिस कर रहे हैं। लेकिन अच्छा है, आप लोगों को हमारी ब्लॉग के थ्रू देखने के लिए मिलेगा हमारी पूरी जर्नी, तो एंजॉय ज़रूर करिए दोस्तों। जब रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, आपको पता है टाइम क्या हो रहा है, 1 बज गए, तो आप समझ सकते हो हम लोग सुबह 6 बजे, मतलब सुबह 4 बजे से उठ के गोली बोल रही है, हम लोग बस चलते ही जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कब माता जी के आप पहुँचेंगे, ऐसे गोली बोल रही है। 3 बजे तो 3 बजे से, मतलब रात भर नींद ही कहाँ आई यार, वैसे तो नींद ही नहीं आई, वैसे माता जी यहाँ आना है, जाना है, करके आगे मम्मी उबाएगा कहाँ बा? You're on right track. खा ले थोड़ा, खा ले थोड़ा, खा लो एनर्जी, पानी पी लो एनर्जी। अरे वाह बोलो, ले सॉफ्टी। अब सब थकाई दूर हो जाएगी, देखना पक्का। कालिका भवन है वहाँ पे, क्या भवन है पूरा, अभी घूमेंगे यहाँ पे पूरा। हम सभी लोग भवन पहुँच गए हैं माता रानी के, तो प्रेम से बोलो जय माता दी। मम्मी देखा, भवन तक हम लोग पहुँच गए चल चल के आए, और टाइम हो रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा है पापा? 3:30 सुबह 6 बजे का निकले, 3:30 बजे हम लोग पहुँच गए। बहुत अच्छे से लेके आए माता जी, आराम आराम से आए, बहुत अच्छा लगा। नहीं यार, अभी तो हम लोग आए माता के माता मंदिर है ना। हाँ गोली आ गए माता जी के मंदिर। छोटू जय माता दी। यहाँ से होती है और आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया है, ये नवरात्रि का डेकोरेशन आई थी, और यहाँ पे महादेव जी की मूर्ति बहुत सुंदर अच्छी तरह से सजाया है। यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी, आपको हर एक चीज लॉकर में ही रखना पड़ता है, काफी लाइन है, अभी 4 बज गए हैं, 6 बजे तक तो मंदिर बंद हो जाता है भवन यहाँ। वो देखो भैरव बाबा जाने के लिए रोप।
कपड़ा खोल कर भी बोला तो।